हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डाइट प्लान फॉर वेट लॉस का आज सेकेंड डे है और अभी मैंने गर्म पानी लिया है, एक गिलास गर्म पानी। और उसमें नींबू के 5-6 सिर्फ ड्रॉप्स डालना है, ज़्यादा नींबू नहीं डालना है हमें। मॉर्निंग फर्स्ट ड्रिंक। इन दोनों को रात भर मैंने पानी में भिगाया था और बादाम को भी मैंने छील कर लिया है, अब इसे मैं खाऊंगी। नींबू का पानी पीने के आधा घंटे बाद ये 6 बादाम और 12 किशमिश मैं खा रही हूँ। वेट लॉस करने में ये दोनों ज़्यादा फायदा देते हैं। अभी मॉर्निंग का सेकेंड ड्रिंक है मेरा गाजर और बीटरूट का जूस। मैंने एक क्वार्टर बीटरूट लिया है यहाँ पे, इसको छीलकर इस गाजर के साथ मैं ग्राइंड करूँगी और इसे अगर आपको चाहे तो आप छान के पी लो या फिर डायरेक्ट फाइबर के साथ ऐसे ही पी सकते हो। गाजर और बीटरूट के पीसेस अब इसे मैं ग्राइंड करूँगी। ये है मेरा डे 2 का सेकेंड ड्रिंक, बीटरूट और गाजर का जूस। बादाम और मनुका खाने के आधे घंटे बाद ये जूस मैं ले रही हूँ। बीटरूट और गाजर का जूस लेने के बाद मैंने वर्कआउट कर लिया है और वर्कआउट के तुरंत बाद मैंने प्रोटीन पाउडर भी ले ली है। होममेड प्रोटीन पाउडर मैंने ली है पानी के साथ। और फिर तुरंत बाद ये मेरा ब्रेकफास्ट है, इसमें मैंने कल के जैसे ही पेरू, एप्पल, पोमोग्रेनेट और मौसम्बी छील कर ली है और उसके साथ मैंने सब्जा का पानी भी लिया है। सब्जा भी मैंने एक्सरसाइज में जाने के पहले भिगोए थे, उसके बाद पानी के साथ अभी मैं उसे पीऊँगी। आप यहाँ पर फ्रूट आपके पसंद के ले सकते हैं, लेकिन चीकू और सीताफल, केला ये हमें नहीं लेना है। अभी दोपहर के लंच की बारी आई है। वैसे हमारा डाइट सुबह से प्रॉपर जाता है तो हमें बीच में भूख नहीं लगती है और लंच के लिए भी एकदम से भूख नहीं लगती है। लंच के लिए मैंने यहाँ पर एक ककड़ी, गाजर, रेडिश यानी मूली और एक छोटा टमाटो इतना लिया है। इसे मैंने पीसेस करके लिया, इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और उसके साथ साथ मैंने स्प्राउट, मूंग जो है उसे स्प्राउट लाकर मैंने इसे बॉईल करके लिया है और उसमें सिर्फ नमक डाला है। अभी उसके साथ मैंने पतला बटर मिल्क बनाया है, छाछ है ये। ये है मेरा आज का लंच। अगर आपको लग रहा है इससे मेरा पेट नहीं भर रहा है तो डरना नहीं, बिल्कुल भरेगा। अभी ये है मेरा इवनिंग स्नैक, ये मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। इसमें सिर्फ पानी और कॉफ़ी है, एक सैचेट कॉफ़ी का डाला है और एक कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है। और ये है मखाने, अभी ये मैंने ज़्यादा मखाने लिए हैं क्योंकि लंच के हिसाब से अभी मुझे थोड़ी भूख लगी थी, इसके लिए मैंने ये मखाने लिए हैं। अभी 5 बजे है और ये मेरा 5 बजे का स्नैक्स है। अरे भाई, वज़न कम करने के लिए ये बोरिंग खाना कितनी देर तक खाए, नहीं खाना है ना। तो चलो अभी हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और वो भी ये जो ओट्स है ना इसको मैं पीसूंगी, इसकी रोटी बनाऊंगी और उसके ऊपर हम टॉपिंग देके थिन क्रश पिज़्ज़ा बनाएंगे। उसके लिए अभी मैंने ये जो ओट्स है इसे पीस लिया है। आपको जितनी रोटी बनानी है उसके अंदाज से आपको पीस लेना है। देखो अभी यहाँ पर मैंने 5 चम्मच ओट्स लिए हैं, ओट्स यानी ओट्स का जो पीसा हुआ पाउडर है वो लिया है। और अभी ओट्स के साथ मैं इसमें 3 चम्मच नाचनी का यानी रागी का आटा मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच दही मिलाऊंगी, 1.5 यानी कि वैसे 2 चम्मच ही है क्योंकि मैंने भर के पूरा लिया है, आप 1.5 या 2 चम्मच ले सकते हैं। अब स्वादानुसार हमें इसमें नमक ऐड करना है, 1-2 चिमटी इसमें हींग ऐड करना है। अब इस रोटी का स्वाद बढ़ाने के लिए आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अक्खा जीरा है और लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच लिया है। ये हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये कलर वाली मिर्ची है, लाल मिर्ची पाउडर। अब 1/4 चम्मच जितना अजवाइन इसमें ऐड करना है।
और अभी से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें दही तो है लेकिन पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी डाल के हमें इसे गूंद लेना है अच्छी तरह। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें थोड़ा सा ही पानी डालकर इसे गूंद लेना है। देखो ये रेडी हो गया है, लेकिन इसमें बिल्कुल चिकनाहट नहीं है, तो मैं इसमें देखो एक चम्मच गेहूं का आटा मिला रही हूँ, सिर्फ एक चम्मच ही डालना है और इसे अच्छे से वापस मिक्स कर लेना है। ये हमारा आटा रेडी हो गया है, अभी इसे हमें ढककर थोड़ी देर के लिए रख देना है, तब तक इस पे जो हम टॉपिंग बनाने वाले हैं उसकी तैयारी करेंगे। अब जैसे मैंने बोला था हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो उसमें शिमला मिर्च तो लगेगी ही, तो यहाँ पर मैंने रेड ग्रीन और येलो शिमला मिर्च लिए है। उसे अभी मैं देखो गैस पर इस तरह रोस्ट कर रही हूँ, इससे हमारे पिज़्ज़ा का टेस्ट जो है वो बढ़ने वाला है। इसे हमें इस पर थोड़े थोड़े काले दाने आने तक रोस्ट कर लेना है। देखो एक साइड से तो ये काले दाने आ चुके हैं, अब थोड़ी देर दूसरे साइड होने के लिए रखूँगी और फिर गैस बंद कर दूँगी। शिमला मिर्च होने के बाद अभी मैंने कॉर्न को भी रोस्ट कर लिया है। अब जो आटा लगा के रखा था वो भी रेडी हो गया है, अभी इसके सेम मैं तीन हिस्से करूँगी और इसकी तीन रोटी बनाऊँगी। अब हमें इसे बेल लेना है चपाती की तरह, जैसे हम पराठा बनाते हैं बस उसी तरह हमें इसे बेल लेना है। जैसे हम चपाती और भाकरी सेक लेते हैं उसी तरह हमें इसे भी सेक लेना है। अच्छी तरह सेकने के बाद ही इसमें हमें टॉपिंग देना है। अब मैं तवे को शिफ्ट कर रही हूँ और यहाँ पर पैन में मैं अपनी जो सब्जी है उसे फ्राई कर लूँगी। पैन में मैंने एक चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है, आपके पास अगर ये ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल आप जो यूज़ करते हैं वो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन एक चम्मच ही लेना है। उसमें मैंने प्याज को काटकर ऐड किया है, स्क्वायर छोटे क्यूब्स के जैसे प्याज काटा है, और उसके साथ मैंने ब्रोकली भी डाली है। ब्रोकली भी थोड़ी सी ही डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। छोटे दो टमाटर मैंने बारीक काट लिए थे, उसे अभी मैंने इस प्याज में ऐड किया है और अभी इसे मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। बीच बीच में मैं रोटी को भी देख रही हूँ, रोटी मैंने स्लो गैस पे रखी है, उसे अच्छे से मुझे रोस्ट करना है यानी कि वो क्रिस्पी हो जाए। अभी इसमें मैंने स्वादानुसार नमक ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं यूज़ करना है, पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स कर इसमें ऐड किए हैं। इसे भी मुझे अभी पकने देना है। दो मिनट बाद अभी मैंने जो रोस्ट करके रखी थी वो शिमला मिर्च काट कर इसमें ऐड की है। अब एक एक करके मसाले ऐड करूँगी। ये चिली फ्लेक्स है, ये पिज़्ज़ा मसाला है, इसके साथ हर्ब्स है मिक्स हर्ब्स, और इसकी टेस्ट बढ़ाने के लिए चाट मसाला इसमें ऐड किया है। ये हम सब मसाले अपने टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने इसमें सब में क्वार्टर चम्मच से थोड़ा कम ही ऐड किया है। और अभी ये टॉपिंग के लिए सब्जी रेडी है। अभी जो स्लो गैस पर मैं रोटी सेक रही थी उसे मैंने ले लिया है सामने, और उस पर अभी हमें टॉपिंग रखना है। टॉपिंग रखने के लिए मुझे नीचे बेस के लिए एक चटनी बनानी है। देखो मैंने चटनी बनाने के लिए दही में एक चम्मच सेजवान चटनी डाली है और पिज़्ज़ा का जो मिक्स हर्ब्स है वो उसमें ऐड किया है, और उसे अभी मैं इस रोटी पे स्प्रेड करूँगी। दही मेरा गाढ़ा था, एकदम पतला दही इसमें नहीं लगेगा, ख़राब हो जाएगा अपना रोटी का बेस जो है उस पर वो नहीं लगेगी, गीली हो जाएगी। उसके लिए दही हमें गाढ़ा वाला लेना है, या आप हंकड़ करके भी ले सकते हो। ये जो मसाला लगाया है उस पर अभी मैंने अच्छे से टॉपिंग दे दी है। अभी अपने पास चीज़ तो है लेकिन हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम वेट लॉस कर रहे हैं, तो अभी मैं क्या करूँगी, जो पनीर है उसका एक पीस मैंने बाजू में रख दिया था, उसे अभी चीज़ की तरह हम ऐसे स्प्रेड करेंगे उस पर, यानी दिखने के लिए भी वो पिज़्ज़ा दिख रहा है और खाने के लिए भी उसकी अलग टेस्ट आएगी।
सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने 1/4 क्यूब चीज़ इस पर स्प्रेड किया है, एकदम हल्का सा डाला है सिर्फ टेस्ट के लिए। अभी इसकी टेस्ट बढ़ाने के लिए ग्रीन ऑलिव्स उस पर मैंने रख दिए हैं ताकि एकदम पिज़्ज़ा का स्वाद इसमें आ ही जाएगा। थोड़ी देर ढककर रखने के बाद मैं बीच बीच में इसे चेक कर रही हूँ और वापस थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ। पूरा पिज़्ज़ा जो है प्रॉपर हो जाएगा। अभी ये पिज़्ज़ा रेडी है, देखो मैंने इसे उतारा है और इसका जो नीचे का बेस है एकदम जैसे चाहिए था वैसे ही क्रिस्पी बना है। और ये रहा हमारा पिज़्ज़ा रेडी, बढ़िया है ना? देखो दिन भर में इस तरह एकदम प्रॉपर डाइट हम करते हैं और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा वेट लॉस होना ही है और जैसे हमें चाहिए वैसा ही एकदम ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस हमें मिलेगा। लेकिन ये डाइट जो है हमें प्रॉपर फॉलो करना है। इस बीच अगर हमें भूख लगती है तो हम एक हाथ फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट नहीं खाना तो थोड़े मुट्ठी भर हम ड्राई फ्रूट्स भी लेकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और बेल आइकॉन की घंटी भी ज़रूर दबाना ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ अपने आप आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाए। बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे।